सन एक बड़ी डील की, उस डील की बातचीत करेंगे और मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। कंपनी ने जर्मनी की ऑटो असेंबली और लॉजिस्टिक्स कंपनी को खरीदने का ऐलान किया है और इस अधिग्रहण से कंपनी को कितना फायदा होगा, किस तरह की सिनर्जीज होंगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल और CFO कुणाल मालानी। विवेक जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्टेज पर। विवेक जी, पहला सवाल आपसे लेंगे, ये जो SAS ऑटो सिस्टम आपने अक्वायर किया है, इस पर ही जानकारी चाहेंगे। करीब करीब अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 540 मिलियन यूरो पर ये डील हो रही है। आप ये बताइए कि ये डील आपने क्यों किया, ये निवेश आपने क्यों किया और इस डील के बाद हम किस तरह की सिनर्जीज डेवलप होते हुए देखेंगे, कितना फायदेमंद होगा आपकी कंपनी के लिए ये? मदरसन की सब्सिडरी SMRPBV ने SAS ऑटो सिस्टम टेक्निक गंब को अक्वायर करने के लिए प्रपोज किया है। ये करीब इकोनॉमिक वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो करीब करीब 540 मिलियन यूरोस है और ये करीब 6 महीने या 7 महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। ये एक नया वर्टिकल है जहाँ गाड़ियों की फैक्ट्रीज के अंदर में जो कॉकपिट असेंबली होती है उसका ये मैनेज करते हैं और दिस पर्टिकुलर थिंग हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कॉकपिट है और फ्रंट एंड है, बैक एंड मॉड्यूल्स है, काफ़ी कुछ मॉड्यूल्स हम लोग कस्टमर के साथ में कर सकेंगे और इसकी जो नेक्स्ट 3 साल का वो है करीब करीब $3 बिलियन का बुक बिजनेस है इसके अंदर, तो इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर अस इन मदरसन। ठीक है कुणाल, अगला सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि आप कंपनी के CFO हैं तो फंडिंग वाला पार्ट निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे। आप ये समझना चाहेंगे कि क्या इस डील को आप इंटरनल अक्रूवल से कर रहे हैं, आपके पास कैश बैलेंस इतना है या फिर इसके लिए आप कुछ कर्ज ले रहे हैं, और ये भी बताइए कि डील के बाद जो नेट डेट टू एबिडा का जो रेशियो होगा वो किस तरह का हो जाएगा? यहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ के लेग्स हैं। सबसे पहले तो करीब करीब साढ़े चार बिलियन यूरोज के हम मटेरियल फ्लो देखते हैं। इसमें से हम जो भी कुछ करना चाहे, जहाँ पर भी हमें लगे कि हम कर सकते हैं, हम इनको इनसोर्स करने की ट्राई करेंगे जो एडिशनल ग्रोथ देगा। उसके बावजूद फोरेशिया आज के दिन सिर्फ इंटीरियर्स में फोकस था, हम एक्सटीरियर भी करते हैं, हम कमर्शियल व्हीकल भी करते हैं, तो ये सब एडिशनल चीजें हैं जो हम कर सकेंगे इस एसेट के ऊपर। एंड ये करीब करीब 50% ईवी बिजनेस करता है विद यू नो द लार्जेस्ट अमेरिकन ईवी OEM बीइंग पार्ट ऑफ द कस्टमर बेस। हम उनके साथ नए ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबके साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जो हम ट्राई करेंगे और एंड और करने के लिए आगे। जी ठीक है विवेक, काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं कुणाल ईवी बिजनेस को लेकर, और जैसा कि उस डेटा भी शेयर कर रहे हैं कि 50% जो बिजनेस आ रहा है वो ईवी से, ऑर्डर बुक का 50% हिस्सा ईवी के लिए आ रहा है। आपने जो अक्वायर किया है जो कंपनी को विवेक जी, एक आखिरी सवाल उस पर लेंगे कि आप इसमें किस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं, आउटलुक क्या शेयर करना चाहेंगे, और खास तौर से जो ईवी सेगमेंट है उसके लिए क्या गाइडेंस आप देंगे हमें? देखिए, हम लोगों ने अपने 5 साल के प्लान में क्लियरली बताया हुआ है कि हमारा टारगेट $36 बिलियन और टॉपलाइन का है और उसके अंदर से 75% जो है ऑटोमोटिव से आएगा, 25% नए वर्टिकल से आएगा। तो अभी तो काफ़ी जाना है आगे, इसके करते करीब करीब 4-4.5 बिलियन का ग्रॉस रेवेन्यू है, पर आगे आगे देखिए अभी बहुत कुछ आना है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल के अंदर में हम लोगों ने बहुत स्टडी किया, बहुत वर्कआउट किया, बहुत कंपनीज हैं, पेन जो है सिस्टम में बहुत ज़्यादा है,
तो काफी हमारे को कस्टमर्स कह रहे हैं कि और कंपनीज लीजिए। देखिए, जो एक्विजिशन होता है उसके अंदर में हम लोग का बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो इसलिए क्योंकि एक्विजिशन मैनेजमेंट के साथ आता है और हमारे को पूरी मैनेजमेंट को रिप्लेस करने का कोई वो नहीं है। हम हमेशा आ, 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 उसी कंपनी को आगे बढ़ाते, और अभी तक 32 एक्विजिशन हम कर चुके हैं, ये 33वां है। तो आगे आगे देखिए और भी बढ़ेंगे, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देंगे, आपको आपके आपके ले लाएंगे। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। 32 एक्विजिशंस कर चुके हैं, आपको आगे के लिए और शुभकामनाएं। और कुणाल जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और आउटलुक शेयर करने के लिए। संवर्धन मदरसा